कॉन्फिडेंट रहना और कंसिस्टेंटली आपको तैयारी करते रहना है। ये कभी नहीं लगा था कि मैं टॉप कर पाऊंगा, मेरा बस एम यही था कि मैं आईएएस में हो जाए। मेरे ख्याल से डिप्रेशन स्वाभाविक है कि बहुत लोग इस तरफ हो सकते हैं, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर सपोर्ट है, परिवार का अच्छा सपोर्ट है, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। यूपीएससी के रिजल्ट आ चुके हैं और उनमें बिहार के शुभम कुमार है, उन्होंने टॉप किया है, वो पहले क्रमांक से पास हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभम कुमार है, हम उनसे बातचीत करेंगे। शुभम जी, पहले तो बीबीसी हिंदी की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जब आपको पता चला आपने भारत में पहला क्रमांक लाया है, आपने टॉप किया है, तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब मैंने लिस्ट देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं टॉप कर गया हूँ, एंड वापस से रोल नंबर मिला है, फिर थोड़ा भावुक भी हो गया, फिर अपने मम्मी पापा को कॉल किया। आप 24 साल के हो, इतने कम उम्र में आपने टॉप किया है, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। कैसी मेहनत की थी आपने, कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? मैं पिछले 3 साल से तैयारी में लगा हुआ था, एंड पहला साल मैंने दिल्ली में रह कर तैयारी की, फिर लास्ट ईयर मैं भारत रक्षा लेखा सेवा में मेरा चयनित हुआ, 290 रैंक आया था। फिर एक साल में मेरी लास्ट 7 से 8 महीने से ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो ये पूरा जर्नी जो है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा और काफ़ी सिखाया भी मुझे। मैं जब अपने पापा को बताया तो वो विश्वास नहीं कर पाए, मुझे 2-3 बार बताना पड़ा कि मैं आईएएस में क्वालिफाई करके एंड रैंक 1 आया। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मैं आईएएस बनूंगा। मैं घर पे रह के तैयारी नहीं कर पाता हूँ, लास्ट ईयर मैं फिर से वापस से दिल्ली गया और फिर एक रूम में रह के फिर कोविड के टाइम पे तैयारी की। मैं कोई सोशल मीडिया पे अभी हूँ नहीं, तो आप बता रहे हैं तो चल रहा होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने में ये बिलीव रखना पड़ेगा कि आप इसको क्लियर कर सकते हो, और आपके पास एक प्लान होना चाहिए। सफलता और असफलता ये लाइफ का पार्ट है और दोनों से आप सीखते हो। मेरे ख्याल से ये बस शुरुआत है, जब भी मुझे मौका मिलेगा, जो भी पोजिशन में मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। I've done my schooling from Bihar Dao, and I've did my graduation in civil engineering from IIT Bombay. During graduation days only, I did 2 internships, one at Mumbai and another at Purdue University, United States. And from 2018 April, I am preparing for civil engineering. Shubham, tell me, Katihar is known for something significant for something, Katihar district? It was in news for Goga Beach. Uh-huh. That is the first community reserve in Bihar. Okay. And what about Durga Ganj? It is a post office. Small town, yes. Okay. Now, what are your border districts with Nepal? Which are the border districts? So, if we go from east to west, then first one is Kishanganj, then Kharia, then Sitamarhi, West Champaran is there, Supaul is also. Okay. Now.